वही मैंने पटना के बारे में ट्वीट किया है। बहुत ही बचपन से ना एक गाना हम सुनते होते थे मुंबई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी ना मिला सजना। दिस इज वन सॉन्ग जो कि बचपन में सुन सुन के हम बड़े हुए हैं, और मैं सोचा करती थी कि पटना कितनी ब्यूटीफुल जगह होती है, मस्ट गो देयर। मुझे भी नहीं पता सर्व का क्या होगा, मुझे पटना से ही शायद मेरा सजना मिलने वाला है, इसलिए सर्व नहीं हुआ। मेरा सीजन था बिग बॉस का, आप देखिए कि उसमें तमाम इंटरनेशनल फेसेस थे, हॉलीवुड से लोग आए थे उसमें, पाकिस्तान से लोग उसमें थे, हिंदुस्तान से लोग उसमें बेशुमार थे। मगर मैं ये समझती हूँ कि स्क्रीन पे जो कुछ भी नज़र आया हो वो एक अलग बात है, मगर हकीकत में आप यकीन कीजिए कि मैंने एक नए ख़ानदान को पाया। बिग बॉस के जितने भी लोग थे, हम लोगों ने इकट्ठे खाया पिया बैठे बातें की, एक फैमिली की तरह वहाँ हमने दिन गुजारे। सीजन 4 वॉज द बिगेस्ट हिट सीजन, राइट? और सीजन 4 जैसा आपका सीजन हुआ नहीं सकता, क्योंकि आप किसी से जीना नहीं ना मालिक नहीं है। अब फिलहाल तो मैं अपने करियर में बहुत बिजी हूँ, अब तो मेरा उनके साथ खास रब्ता नहीं है, मगर मेरी उनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत और एहतराम है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से इज्जत दी, बहुत अच्छे से प्यार दिया, मगर अब हम बहुत करीब नहीं हैं, अब हमारे बीच में वो वाली दोस्ती नहीं है जो बिग बॉस में थी। सेक्सी हीरो अजय देवगन है, मुझे तो सेक्सी लगते हैं, और आई थिंक द सेक्सीस्ट हीरोइन आई वुड से इज करीना कपूर, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। आप लोगों की चाहत है कि आप लोग मेरे नाम के साथ कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन लगाते हैं, मगर मेरे और भी बहुत सारे नाम हैं, और मैं समझती हूँ कि मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए, मेरा आप काम देखिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भोजपुरी सिनेमा में आना मेरी ख्वाहिशों में से है और मेरे प्लान्स में भी शामिल है, क्योंकि मैं यकीनन भोजपुरी सिनेमा में काम करना चाहती हूँ। मैंने काफ़ी भोजपुरी फिल्म्स भी देखी हैं, मैं काफ़ी तमिल फिल्में भी देखती हूँ, और मैं समझती हूँ कि रीजनल सिनेमा जो है हिंदुस्तान में इज डूइंग ग्रेट ग्रेट जॉब। That's the song, Drama Queen.